वेलकम टू माय चैनल लर्न पढ़ क्लिक। लर्न पढ़ क्लिक चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रिंट एरिया को सेट करना। जैसा कि आप जानते हैं, एक्सेल के शीट में 10,48,576 रॉ होते हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लास्ट रॉ में आते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाता है 10,48,576 रॉ होते हैं। और अगर हम कॉलम की बात करें तो एक्सेल के एक शीट में 16,384 कॉलम होते हैं और उसका रिप्रेजेंटेशन होता है XFD। तो इतना बड़ा जो सीट है दोस्तों, इतने बड़े सीट पे एक साथ तो प्रिंट आउट निकल नहीं सकता है। एक छोटे से A4 साइज के पेपर पे हमको प्रिंट करना होता है, तो उसके हिसाब से, पेपर के हिसाब से हमको सेट करना होता है प्रिंट एरिया। तो जिस भी एरिया का हम लोग प्रिंट एरिया सेट करते हैं, उसी एरिया का हम लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा एक फाइल बना हुआ है स्टॉक का। इस फाइल को हमको प्रिंट आउट निकालना है, तो इसके लिए करेंगे क्या, तो सबसे पहले इस तरह से सेल रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद पेज लेआउट रिबन को क्लिक करेंगे। पेज लेआउट रिबन में कमांड मिलेगा प्रिंट एरिया, याद रहे प्रिंट एरिया। अब इस प्रिंट एरिया को क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला है सेट प्रिंट एरिया और दूसरा है क्लियर प्रिंट एरिया। तो सबसे पहले हम सेट करेंगे, अभी सेट प्रिंट एरिया को क्लिक कर लेते हैं। जैसे सेट प्रिंट एरिया को क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक हिडन लाइन आ गया। अब इसका प्रिंट एरिया सेट हो गया। यदि आप देखना चाहें तो ऑफिस बटन को क्लिक कीजिए, प्रिंट में जाइए और प्रिंट प्रीव्यू को क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा प्रिंट एरिया सेट हुआ है। और अब जब भी हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो इसी, ये जो अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, सिर्फ और सिर्फ वही प्रिंट होगा। अब सपोज कीजिए कि ये इसका तो प्रिंट आउट निकल गया। अब इसके बदले में हमको अब किसी दूसरे एरिया का प्रिंट आउट निकालना है जहां पे हमारा कुछ फाइल बना हुआ है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस प्रिंट एरिया को पहले रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव कैसे करेंगे, तो रिमूव करने के लिए प्रिंट एरिया को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ गया क्लियर प्रिंट एरिया। अब इस क्लियर प्रिंट एरिया को क्लिक कर देंगे। इतना कर देने से इसका प्रिंट एरिया हमारा क्लियर हो गया, हट गया। अब फिर से हम लोग जिस भी एरिया का प्रिंट आउट लेना चाहें, अगर इस एरिया का प्रिंट आउट लेना है तो इसको फिर सेलेक्ट करके प्रिंट एरिया सेट कर लेंगे, फिर इसका भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। दोस्तों, निश्चित रूप से हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों का भरपूर प्यार हमें मिल रहा है, लेकिन थोड़ी सी प्यार की कमी है। हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।